हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फार्मा पाठशाला। सो इन टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सीआईपी वैलिडेशन इनटू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो बिफोर आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम सीआईपी वैलिडेशन की बात करते हैं। तो सीआईपी वैलिडेशन के पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज सीआईपी। सीआईपी स्टैंड फॉर क्लीनिंग इन प्लेस। सो क्लीनिंग प्लेस क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैक्सिमम केसेस में अगर हम पेरेंटल की बात करें या फिर हम ओएसजी सेक्शन की बात करें, दोनों ही सेक्शन में, या फिर अगर हम लिक्विड की बात करें या फिर हम ऑइंटमेंट सेक्शन की बात करें सेमी सॉलिड की, किसी भी सेक्शन का जब फॉर्मुलेशन हम करते हैं तो फॉर्मुलेशन करने के बाद या प्रायर टू स्टार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी हम क्लीनिंग करते हैं। तो ऑटोमेटेड क्लीनिंग के केस में क्या होता है कि क्लीनिंग प्लेस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में सपोज करो जैसे हम एक मैन्युफैक्चरिंग टैंक की बात करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग टैंक अगर हम कोई लिक्विड बैच की बात करते हैं तो लिक्विड के बैच हमने बनाया या फिर बैच बनाने के पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें उस पर्टिकुलर टैंक के अंदर हमें मैनुअल क्लीनिंग करके ऑटोमेटेड सॉल्वेंट की लाइन होगी, आइदर वो प्योरीफाइड वाटर की लाइन होगी सॉल्वेंट के केस में या फिर वो WFI की लाइन होगी पेरेंटल के केस में। सो केस में क्या होता है कि ऑटोमेटेड जो लाइन कनेक्टेड होती है हमारे टैंक से, सो उस कनेक्टेड लाइन से हमारे वाटर सिस्टम से जो भी कनेक्टेड लाइन होती है उस लाइन के थ्रू हमारे क्या होता है कि जब भी हम सीआईपी साइकिल जब भी हमारा वो टैंक मतलब की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है और जब उस टैंक को हम इंटीग्रेट कर देते हैं मतलब यूटिलिटी सप्लाई के साथ, तो जब भी हम रूटीन ऑपरेशन करते हैं तो जो भी वाटर जो भी सॉल्वेंट की सप्लाई आती है लाइक वाटर प्योरीफाइड वाटर हो गया या फिर WFI हो गया, तो वो जब वाटर की सप्लाई आती है टैंक के अंदर तो उस टैंक के जो टैंक के इन साइड जो अंदर के जो स्पेसिफिक लोकेशन होते हैं उस स्पेसिफिक लोकेशन में बहुत सारे टैंक के अंदर ऐसे होते हैं कुछ हमारे मतलब प्री इंस्टॉल्ड होंगे, कुछ हमारे मतलब उसमें कनेक्टेड लाइन्स होंगे, उसके अंदर इंटीग्रेटेड लाइन होंगी, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि उस लाइन को हमें बिना डीएसएमएल किए हमें उसी जगह पे उसको क्लीन करना है। सो उस चीज़ को मतलब अचीव कराने के लिए ये एक टर्म अडॉप्ट किया गया जिसको हम बोलते हैं क्लीनिंग प्लेस का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन को बिना डिसेंबल किए, उस पर्टिकुलर पार्ट्स को बिना डिसेंबल किए वहीं पे हम डायरेक्टली सॉल्वेंट को वहाँ पे इन्फ्यूज़ करते हैं जैसे वो पर्टिकुलर एरिया वहीं पे क्लीन हो जाता है। ये मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है मेरा सीआईपी के बारे में, लाइक क्लीनिंग इन प्लेस, लाइक बिना उस पर्टिकुलर एरिया को मतलब हमें डिस्टर्ब किए या फिर डिसेंबल किए वहीं पे हम सॉल्वेंट की सप्लाई देते हैं और वहीं पे वो क्लीनिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये क्लीनिंग हमें इंश्योर कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें सीआईपी वैलिडेशन की, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये बताऊँ पेरेंटल सेक्शन में क्या होता है, जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टैंक हो गया जिसमें कि हम बैच बनाते हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग अगर हम फ्रिज ड्रायर की बात करें जिसको हम लाइफलाइजर बोलते हैं वहाँ पे हो गया, तो वहाँ पे लाइफलाइजर में मतलब ऑटोमेटिकली जब भी उसकी IQOQ करते हैं तो उसी टाइम पे ही CIP और SIP की जो साइकिल होती है वो उसमें ऑलरेडी फ्रिज करके देता है। तो हम एज़ पर जब हमारा IQOQ एंड PQ स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो जब भी वो रूटीन रिलीज में वो हमें इक्विपमेंट मिलता है तो ऑटोमेटिकली उस साइकिल को बस हमें जाके सेलेक्ट करना होता है, उसकी रेसिपी में जाके उसको सेलेक्ट करना होता है और रेसिपी सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो CIP या फिर जो भी SIP हो गया या फिर अलग अलग VLT बायोटिक ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब जस्ट अभी हम CIP की बात कर रहे हैं तो उस रेसिपी को सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली हम वो ऑपरेशन वो हम स्टार्ट कर देते हैं और ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है। बट अगर हम बात ये तो हो गया मेरा लाइफलाइजर केस में, मैन्युफैक्चरिंग टैंक पर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग टैंक के HMI में ऑलरेडी रेसिपी फ्रिज होती है। ठीक है, जस्ट हमें उस रेसिपी को सेलेक्ट करना होता है और सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो वाटर की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वाटर सप्लाई टैंक के अंदर आने लगेगा, ऑटोमेटिकली क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरा अलग अलग ऑपरेशन होता है। तो ये सीआईपी का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हमारा अगर हम बात करें तो जहाँ पे भी हमारा मैनुअल क्लीनिंग ना हो गया ऑटोमेटेड क्लीनिंग ऑपरेशन है उसमें हम सीआईपी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम सीआईपी ऑपरेशन को हम बेसिकली हम कराते कैसे हैं और हम कैसे कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे बेस्ट मैं क्या करता हूँ अभी आपको एक मैन्युफैक्चरिंग टैंक का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग टैंक के केस में हम कैसे सीआईपी वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जस्ट एक आपको एक आउटलाइन बताता हूँ अभी यहाँ पे, डिटेल वीडियो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिकली टैंक एक सबसे पहले क्या करें, हम एक टैंक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सपोज 100 लीटर का मेरा टैंक है, उस 100 लीटर के टैंक को मैंने सेलेक्ट कर लिया।
सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, उस सबसे पहले उस टैंक को क्या करेंगे हम मैन्युअली कंटामिनेट करेंगे। तो सबसे जो सबसे क्या बोलते हैं सबसे बेस्ट जो हम क्लीनिंग एजेंट हम लेते हैं उस कंटामिनेट कराने के लिए, क्लीनिंग एजेंट जो कंटामिनेटिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो हम लेते हैं राइबोफ्लेविन। रीज़न क्या होता है कि राइबोफ्लेविन हम इसलिए लेते हैं राइबोफ्लेविन क्योंकि राइबोफ्लेविन को कि जब स्लरी बना के और उस स्लरी से जब हम उस टैंक को कंटामिनेट करते हैं और अल्टीमेटली जब हम क्लीनिंग करने के बाद जब हम विजुअली इंस्पेक्शन करते हैं तो राइबोफ्लेविन की एक 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 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी अगर हम उसको यूवी लाइट के प्रेजेंस में अगर उसके मॉनिटर उसकी विजुअली इंस्पेक्शन करेंगे नेकेड आई से तो वो क्या करेगा राइबोफ्लेविन वो यूवी लाइट में वो चमकता है, वो मतलब वो शाइन करता है। तो सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन वी जनरली यूज टू टेक दिस राइबोफ्लेविन सोल्यूशन फॉर द कंटामिनेशन ऑफ द मैनुफैक्चरिंग टैंक, राइट। तो ये मेरा हो गया। तो सबसे पहले क्या कि टैंक सेलेक्ट किया मैंने, टैंक सेलेक्ट करने के बाद हमने राइबोफ्लेविन की स्लरी बनाई, 1% स्लरी बनाते हैं हम, और स्लरी बनाने के बाद हम उस मैन्युफैक्चरिंग टैंक को हम कंटामिनेट करते हैं। टैंक कंटामिनेट करने के क्या होती का क्या प्रोसीजर है क्योंकि जो अगर वो जो मेरा टैंक है जिसको मैंने सेलेक्ट करा है अपने मतलब CIP साइकिल के लिए वैलिडेशन साइकिल के लिए जिसका बेसिकली हमें CIP वैलिडेशन करना है जिस टैंक का, तो उसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड लाइन होंगी लाइक WO5 की लाइन होगी प्योरीफाइड वाटर की लाइन होगी, और जिससे क्या होता है कि जो अगर जो लोग फार्मा फील्ड से होंगे खास करके जो लिक्विड सेक्शन में काम करेंगे उनको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग टैंक में स्प्रे वॉल भी होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमने क्या किया कि सबसे पहले जो मेरे प्योरीफाइड वाटर की जो सप्लाई लाइन है टैंक के अंदर उसमें क्या करेंगे मैनुअली जो हमने स्लरी बनाई हुई है स्लरी को हम एक 5 या 10 लीटर का कंटेनर होता है उस कंटेनर में स्लरी बना के उस कंटेनर वाली स्लरी को क्या करते हैं उसको हम प्योरीफाइड वाटर की लाइन से हम कनेक्ट कर देते हैं, राइट। और कनेक्ट कर जिससे क्या होता है कि जब हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्प्रे वॉल क्या करेगा हमारा स्प्रे वॉल क्या करेगा वो उस पर्टिकुलर मतलब उसके अंदर स्प्रेइंग नोजल्स होते हैं तो उस नोजल से क्या होगा मेरा राइबोफ्लेविन की जो स्लरी होगी वो इनसाइड द चैम्बर अलग अलग लोकेशन पे स्प्रे होगी। जस्ट मैं एक वीडियो अभी आपको मैं नेक्स्ट सेशन में एक लाइव डेमो मैं PPT बनाऊंगा जिसमें मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो लाइब्रेरी बनाऊँ जिसमें आपको बताऊँ कि कैसे स्प्रे होता है, राइट। सो डोंट वरी। सो एक वो स्प्रे वॉल से स्प्रेइंग होगी आपकी राइबोफ्लेविन कंटामिनेटिंग सॉल्यूशन की। स्प्रे होने के बाद क्या करते हैं हम फिर नॉर्मली क्या करते हैं 1.5 से 2 घंटे हम उसको रूम टेम्परेचर पर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं उस टैंक को, राइट। जब 1.5 से 2 उसका रीज़न क्या है कि जितना ज़्यादा हम उसमें स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होता है किसी का कहीं लिखा है बट इतना रखते हैं कि मतलब इनफ टाइम हम देते हैं उस पर्टिकुलर टैंक को ड्राई होने का जिससे कि जो मेरा राइबोफ्लेविन कंटामिनेंट्स है जिसकी स्प्रेइंग करी थी हमने स्प्रे वॉल से वो पूरी तरह से वो अच्छे से सूख जाए, ठीक है। और जब 1.5-2 घंटा हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम ऑटोमेटिकली क्योंकि अगर मेरा इंजेक्शन प्लांट है तो जैसे बताए इंजेक्शन प्लांट में जो फाइनल क्लीनिंग होती है वो WO5 से होती है तो हम क्या करेंगे WO5 की लाइन जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है उस टैंक में उस लाइन को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से WO5 क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। WO5 क्लीनिंग स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहले जो हम सैंपल लेने से पहले जैसे अलग अलग तरह की सैम्पलिंग भी होती है जैसे रिंस सैम्पलिंग होती है स्वैप सैम्पलिंग होती है केमिकल स्वैप फिर माइक्रो स्वैप सैम्पलिंग होती है फिर डायमेंशन चेक करते हैं फिर हम इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं ये सब अलग अलग टेस्ट होते हैं जब भी हम परफॉर्मेंस मतलब फर्स्ट टाइम हम क्वालिफाई कर रहे हैं उस टैंक को CIP वैलिडेशन के लिए तो ये सब टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन सब करने से पहले सबसे पहला काम हम करेंगे विजुअली इंस्पेक्ट करेंगे क्लीनिंग WO5 से हो गई क्लीनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे जो भी रूम की अदर लाइट्स है अदर देन यूवी लाइट उसको हम अगर हमारे रूम में अगर उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हमारा यूवी लाइट का अगर कि ऑलरेडी सप्लाई है तो हम बाकी सारी लाइट को बंद करके यूवी लाइट को ऑन कर देंगे। अगर नहीं है तो सारी लाइट को हम बंद करके यूवी टॉर्च होती है, राइट। यूवी टॉर्च से हम उस टैंक का इंस्पेक्शन करते हैं। तो अगर मेरा WO5 क्लीनिंग के बाद अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई होगी तो कहीं ना कहीं वो यूवी लाइट में वो राइबोफ्लेविन शाइन करेगा। तो ये बताता है कि जो मेरी क्लीनिंग हुई है वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है और हम इसको बोलते हैं पुअर क्लीनिंग हुई है विद द हेल्प ऑफ WO5 मतलब गुड क्लीनिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर राइबोफ्लेविन कहीं है तो अगर राइबोफ्लेविन के कहीं ट्रेसेस है तो वो यूवी लाइट में वो शाइन करेगा। ये मेरा हो गया विजुअल इंस्पेक्शन। उसके बाद हम जो सेकंड सैम्पलिंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं रिंस वाटर सैम्पलिंग। क्या करेंगे WO5 की जब क्लीनिंग होगी तो जो फाइनल रिंसिंग WO5 से हम करते हैं तो फाइनल रिंस हम कुछ सैंपल लेते हैं और उस सैंपल कलेक्ट करके फाइनल मतलब जो WO5 जिसे रिंसिंग करिए उसका सैंपल कलेक्ट करके हम QC में भेजते हैं और फिर वहाँ पर UV पे हम चार्ज करके देखते हैं कि मतलब कोई भी राइबोफ्लेविन के ट्रेसेस वगैरह उसमें ऑब्जर्व हो रहे हैं कि नहीं। ये तो मेरा हो गया रिंस वाटर के केस में। फिर थर्ड हमारा हो गया केमिकल स्वैप।
केमिकल सर्वे में क्या करेंगे कि अलग अलग हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सीआईबी वैलिडेशन का जो हम प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं उस प्रोटोकॉल में किस किस लोकेशन से हमें स्वैप की सैम्पलिंग करनी है, लाइक स्प्रे वॉल से लेनी है, फिर टैंक के अंदर से मिडिल लेयर से कुछ लेनी है, फिर अपर साइड से कुछ लेनी है, अलग अलग लोकेशन जो हम ड्राइव करते हैं वो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, और उसमें ये रिस्क असेसमेंट ये डिसाइड करते हैं कि कौन से टैंक के अंदर कौन कौन से एरिया है जो कि मेरे क्रिटिकल एरिया हो सकते हैं ड्यूरिंग द कमर्शियल ऑपरेशन, तो उसको हम कैटेगराइज करके उसके बेसिस पे हम सैम्पलिंग प्लान डिजाइन करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब सैम्पलिंग लोकेशन डिसाइड करते हैं, उस लोकेशन के बेसिस पे हम स्वैप की सैम्पलिंग लेते हैं, केमिकल स्वैप आपने सबने देखा होगा, और उस केमिकल स्वैप से हम अलग अलग सैंपल करके फिर उस केमिकल स्वैप को हम क्यूसी में भेजते हैं और उसकी हम लिमिट चेक करते हैं। बेसिकली जो उसका अगर उसकी एक्सेप्टेंस की बात क्राइटेरिया की बात करें तो पर स्वैप नॉट मोर देन 10 ppm का क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, मतलब एक लोकेशन में 10 ppm से ज़्यादा का मतलब केमिकल कंस्टेंट मतलब ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है तो फिर वो हम ये मानते हैं कि वो हमारा सीआईपी वैलिडेशन सक्सीड नहीं हुआ है, मतलब फेल की कैटेगरी में आ रहा है, ये हम अज्यूम करते हैं, राइट। ये तो हमारा केमिकल स्वैप होगा। फिर अगर हम नेक्स्ट जो हम सैम्पलिंग और टेस्ट की बात करते हैं वो होती है मेरे माइक्रो स्वैप, तो माइक्रो स्वैप भी जस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट आता है क्योंकि मैक्सिमम केस में माइक्रोबायोलॉजिस्ट से ही हम माइक्रो की सैम्पलिंग कराते हैं जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सैम्पलिंग एरर, राइट, क्योंकि माइक्रो थोड़ा मेरा क्रिटिकल होता है, तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा जस्ट बिकॉज की ही इज मच मोर ट्रेंड देन अस, राइट, बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्रेंड being a quality like as a quality assurance officer or executive we are also trained but they are much more trained than us, so hum ye assume karke hum microbiology sampling ko hum matlab intimate karte hain officially aur fir wo aata hai sampling ke time pe aur apne microscope se wo sample leke wo jata hai और वो सैंपल लेने के बाद फिर वो उसको वो बायोबटन के लिए वो उसको इंक्यूबेट करता है और फिर बायोबटन का लोड देखता है कि उस पर्टिकुलर जो स्वैप की जो सैम्पलिंग है उसमें कितना बायोबटन लोड आ रहा है। नॉर्मली जो हम नॉट मोर देन 100 CFU पर स्वैप का क्राइटेरिया पकड़ते हैं हम माइक्रो केस में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डायमेंशन टेस्ट में क्या करते हैं कि डायमेंशन टेस्ट में बिफोर क्लीनिंग एंड आफ्टर क्लीनिंग, जो मेरा टैंक है तो क्लीनिंग के पहले उसकी एक डायमेंशन का मेजरमेंट कर लेते हैं और आफ्टर क्लीनिंग उसके डायमेंशन का मेजरमेंट करते हैं। रीजन बिहाइंड हम ये देखते हैं कि क्लीनिंग प्रोसेस की वजह से कहीं उसके डायमेंशन में कोई चेंज तो नहीं आ रहा। अच्छा ये जो मेरा डायमेंशन टेस्ट है ये हम वन टाइम ही परफॉर्म करते हैं, इसको मतलब रूटीन में करने की जरूरत नहीं होती। रूटीन में केवल हम रेंस केमिकल एंड माइक्रो स्वैप दैट इज इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ सीआईपी, यू नो लाइक अगर हम रूटीन बोले तो जब भी हम रिक्वालिफिकेशन करते हैं उसमें हम बस यही तीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसमें डायमेंशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती। डायमेंशन हम केवल फर्स्ट टाइम करते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी टैंक को क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर सीआईपी वैलिडेशन उसके हम डायमेंशन स्टडी करते हैं। उसके बाद अगेन मेरा एक लास्ट टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनलिटी टेस्ट। तो बेसिकली फंक्शनलिटी टेस्ट में क्या होता है कि हमने क्लीनिंग ऑपरेशन कर दिया और क्लीनिंग ऑपरेशन करने के बाद कि जो भी उसके फंक्शनलिटी टेस्ट है लाइक वो पीएलसी से जो भी हम कमांड दे रहे हैं एचएमआई से, तो कोई ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं, स्प्रे बॉल घूम रहा है कि नहीं, राइट, WFI की सप्लाई आ रही है कि नहीं, प्रिफर्ड ड्रग की सप्लाई, जितनी मतलब उसके ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं फंक्शनलिटी टेस्ट हैं उस पर्टिकुलर टैंक के, उसको हम एक सिमुलेट करके चेक करते हैं कि बिफोर क्लीनिंग व्हाट वाज द कंडीशन एंड आफ्टर क्लीनिंग द सेम कंडीशन इज बीइंग अचीव्ड और नॉट। सो ये मेरा एक ओवरऑल हो गया हमारा सीआईपी वैलिडेशन के बारे में। ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल कॉन्सेप्ट है इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये मेरा बोथ ओएसडी सेक्शन प्लस स्ट्रायल सेक्शन दोनों में यूज करते हैं। स्ट्रायल में थोड़ा सा क्रिटिकलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि डेफिनेटली द फिनिश फॉर्मुलेशन इज गोइंग बियॉन्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड में जा रहा है तो क्रिटिकलिटी ज़्यादा होती है, बट ओएसडी में भी सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। सो ये मेरा एक ओवरऑल हो गया है मेरा सीआईपी वैलिडेशन के बारे में। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के अपने मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स में इसको शेयर करिए, हमारे बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, और प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।